मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े, थोड़ा फास्ट चलाने यार। जेठालाल, आज पहले मैं 3 बार कानून तोड़ चुका हूँ और 2 बार फाइन भर चुका हूँ। मुझे और एक बार कानून नहीं तोड़ना है। तो एक काम कर, तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ सकाराम। कानून टूटेगा तो मुझसे टूटेगा ना। लेकिन ना तो सकाराम का ही बदनाम होगा ना है? मतलब पावती तो सकाराम का ही नंबर आएगा ना यार। और वैसे भी मैं सकाराम इतना भी स्लो नहीं चला रहा हूँ जेठालाल। अरे तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं ब्रेक मारूंगा ना। चलना गया ना स्पीड ब्रेकर, अभी तक थोड़ा भगा दोस्त। हाँ, ये गाड़ी जाली देना आगे वाली। तो ये भगा गोडाउन पहुंचा होगा कि नहीं? क्या क्या? अरे तू स्कूटर सकाराम चला ना भाई। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे भागा तो पहुंच गया गोडाउन? नहीं बस अभी पहुंचूंगा। क्यों, तू चल के जा रहा है क्या? नहीं नहीं, रिक्शा में ही हूँ। लेकिन क्या है, रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लग गया और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी है। अरे यार क्या मुसीबत है। सेठ जी अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, बापू जी मिल नहीं रहे और थोड़ी देर में गोयल साहब गोडाउन पहुँच जाएंगे। समझ में नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि भगवान को जो बहुत प्यारे होते हैं भगवान उनकी ही परीक्षा लेते हैं। अरे भगवान इसी तरह अगर मेरी परीक्षा लेते रहे ना तो बहुत जल्दी मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, अब चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। मैं फटाफट गोडाउन पहुँच के आपको फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी कर, जल्दी कर भाई। बाजू में तो दुकान है। अजय भाई, अरे अब्दुल, तूने बापू जी को देखा? सुबह आपने जब फोन किया था तब भीड़ भाई के साथ में थे? नहीं, तभी तो बापू जी और भीड़ दोनों साथ में ही बाहर गए, लेकिन उसके बाद बापू जी को वापस सोसाइटी में आते हुए देखा तूने? नहीं, कुछ समय के लिए मैं बाहर गया था, उस वक्त चाचा जी घुस गए होंगे तो पता नहीं, मतलब आ गए होंगे तो पता नहीं। अच्छा सर, ओके थैंक यू। चल चल बेटा, सोसाइटी में ले जल्दी। हां चलो चलो। चाचा जी घर पे हैं? वही देखने गया जेठा। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, चाचा जी है ना घर पे? अरे मेरा चेहरा देख के पता नहीं चल रहा है क्या? वैसे तो पता चला कि चाचा जी घर पे नहीं है, लेकिन फिर ये विचार आया कि हो सकता है चाचा जी घर में ही हो और तुम पे गुस्सा हो गए हो और गुस्से के मारे तुम्हें घर में घुसने ना दिया हो। दरवाजे पे ताला है तो फिर चाचा जी घर में नहीं हो सकते। लेकिन चाचा जी गए कहाँ? अरे कहाँ गए, क्या गोडाउन ही गए होंगे ना, गोडाउन की चाबी उनके पास है भिड़े। जेठालाल, अगर चाचा जी गोडाउन गए होते तो बाघा का तुम्हें फोन नहीं आ जाता। बोलिए बोलिए गोयल साहब। जेठालाल कहाँ हो तुम? गोयल साहब मैं वो थोड़ा मैं जरा घर पे आया हूँ। क्या घर पर आया हूँ? तुमको इंसान की टाइम की कोई कदर है या नहीं है? सॉरी 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 गोयल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या है कि बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो सब छोड़ो, तुम मीटिंग के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे? मैं आना तो चाहता हूँ गोयल साहब, लेकिन हो सकता है मुझे थोड़ा लेट हो जाए। और मतलब कितना लेट होगा वो मैं अभी बता नहीं सकता, इसलिए मैं क्या कहता हूँ गोयल साहब, आज की मीटिंग हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? मतलब कल परसों जब भी आपको टाइम हो तभी भी, मतलब तभी हम लोग कर लेंगे। जेठालाल, अगर मीटिंग पोस्टपोन करनी थी तो जब सुबह रीना का फोन आया था तो उसे कह देते ना, या जब
थोड़ी देर पहले मुझसे तुम्हारी बात हुई थी तब कह देते। नहीं, नहीं, मैं आपको तो फोन पे बात हुई ना सर हमारी, तभी मैं आपको बता नहीं जा रहा था। लेकिन आपका वो अमेरिका से फोन आ गया तो आपने फोन काट दिया, तो मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला सर। अरे मौका नहीं मिला तो तुम मुझे मैसेज कर सकते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप इतने बड़े आदमी हो, आपको ऐसे मैसेज करके वो मीटिंग कैंसिल का कैसे मैं मतलब बोल सकता हूँ। और दूसरा क्या है सर, टेंशन के मारे मेरा दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। देखो जेठालाल, आज के दौर में छोटा मोटा टेंशन सभी को है। गोयल साहब, ये छोटा मोटा टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन है। मेरे बापूजी, मेरा फादर खो गए, उनको ढूंढने निकला हूँ मैं। जेठालाल, तुम्हारे बापूजी तुम्हारे फादर है, छोटे मोटे बच्चे नहीं है, कहीं गए होंगे इधर उधर घूमने, आ जाएंगे। देखो जेठालाल, तुम मेरे लिए पुरानी पार्टी हो, इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम फौरन घोड़ा ना जाओ, डील फाइनल करते हो, दैट्स इट। सॉरी गोयल साहब, देखिए मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, मैं आपके समय की बहुत कीमत करता हूँ, लेकिन मैं बापूजी का ढूंढे बगैर तो गोडाउन नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम ये डील फाइनल नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, मैं डील तो करना चाहता हूँ, जरूर करना चाहता हूँ। तो जेठालाल, पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए ये डील जरूरी है या तुम्हारे बापूजी। देखिए गोयल साहब, जरूरी तो दोनों है, लेकिन पहले बापूजी। देखो जेठालाल, मुझे दूसरी पार्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम अगर ये डील फाइनल नहीं करते हो तो तुम्हें लाखों का नुकसान होगा। बापूजी के लिए मैं लाखों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ सर। ठीक है जेठालाल, अब ये मीटिंग कैंसिल, कोई डील नहीं होगी तुम्हारे साथ। और एक बात और ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हारे साथ बिजनेस की कोई डील नहीं होगी। देखिए गोयल साहब, सॉरी, आज आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, आपका कीमती समय बिगड़ा, लेकिन देखिए आप भले मेरे साथ कोई डील ना करें, लेकिन आइंदा कभी भी छोटे से छोटे काम के लिए भी आपको अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। हाँ प्लीज, देखते हैं। आज का दिन ही पनौती है, इतनी बड़ी डील आज से गई। चलो डील तो ठीक है, बापू जी खो गए। क्या? चाचा जी खो गए? हाँ बबीता जी, बापू जी खो गए। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। सॉरी जेठा जी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बबीता जी? क्योंकि सुबह मैं और अय्यर ही आपको मिले थे और हम लोग आपके लिए गुड लक नहीं बैड लक साबित हुए, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। नहीं नहीं, आप अपने आप को दोष मत दीजिए बबीता जी, ये दोष तो मेरे भाग्य का है। नहीं नहीं, देखिए जेठा जी, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं और अय्यर आपको सुबह कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा मत बोलिए, अरे बोलिए कैसा, सोचिए भी मत बबीता जी। हाँ बबीता जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ये जेठालाल की कुंडली ऐसी है, आप मिलो ना मिलो इसके जीवन में तूफान आते ही रहते हैं। हाँ प्लीज, आप अपने आप को दोष मत दीजिए बबीता जी, क्या मेरी जो कुंडली है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, अभी आप पहले जाइए चाचा जी को ढूंढने। हाँ पर कहाँ जाऊँ बबीता जी, बापू जी ना गोडाउन पे है ना घर पे, समझ में नहीं आ रहा बापू जी गए तो गए कहाँ। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए। बबीता जी नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस भी 24 घंटे से पहले मिसिंग की रिपोर्ट नहीं लिखती है। अरे हाँ। नहीं नहीं भिड़े, बबीता जी का सुझाव एकदम बराबर है, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। चालू जी, पांडे जी तो हमको पर्सनली जानते हैं ना, तो हम उनका पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो बाहर से खाली दिखते हैं सख्त, लेकिन उनका हृदय एकदम कूणा है। क्या है? कूणा कूणा मुझे मऊ मऊ। स्टॉप स्टॉप। बोलिए बोलिए गोयल साहब। जेठालाल, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर, नुकसान तो मेरा हुआ है। अरे नहीं नहीं, नुकसान मेरा हुआ है, पूरे पूरे 1 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या? और जिनसे मेरा नुकसान हुआ है उन्हीं से बात करो। हाँ जेठिया। बापूजी। हाँ मैं।
बाबूजी आप कहाँ हो? गोडाउन में। और गोयल साहब? अरे वो भी गोडाउन में ही है, मैं बागा मगन सब गोडाउन में ही है। वो बागा को मैंने बोला था बापूजी की बापूजी मिल जाए तो मुझे फोन करना, फोन क्यों नहीं किया उसने मुझे? अरे भाई तू जल्दी से यहाँ गोडाउन में आ जा ना भाई, तुझे बाद में सब बता रहा हूँ। तू आ जा, आ जा जल्दी, आ जा। बापूजी मैं भी आया। मिल गया बापूजी, मिल गया, मिल गया। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू बापू जी, मिल गए। देखा देखा बबीता जी, आप मेरे लिए कितने बड़े गुड़िया साबित हुए। आपके मिलते बापू जी भी मिल गए। जेठालाल अभी चाचा जी मिल गए ना, तो शांति से रिक्शा करके गोडाउन जाओ, अभी मैं नहीं आऊंगा छोड़ने के लिए। नहीं वो तो मैं रिक्शा में जाऊंगा, मैं तो ये कह रहा था कि आज सुबह से मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई है, तो प्लीज माफ कर देना दोस्त। नहीं 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 कोई बात नहीं जेठालाल, मुझे तो अभी आदत हो गई है। चलो तुम निकलो, तो वहाँ पे गुस्सा करेंगे। ओके ओके ओके। अरे जेठालाल वो बुके ले लो। अरे हमारे गांव के सरपंच के खेत से लेकर उनके घर तक मैं अकेला बैलगाड़ी चला के लेके जाता था। वाह चाचा जी वाह। चाचा जी एक बात बताओ, मुझे भी गांव में बैलगाड़ी चलाने का बहुत शौक था। मैं भी जब भी मौका मिलता था किसी की भी बैलगाड़ी जोड़ के पूरे गांव में घूमता था। अरे वाह, तो फिर भाई मेरी तरह तुझे भी बहुत डांट पड़ती होगी नहीं? चाचा जी डांट? भाई डांट नहीं, डांट के साथ साथ मार भी पड़ती थी। लेकिन चाचा जी गांव की लाइफ ही बेस्ट लाइफ थी। बापू जी थैंक यू भगवान, बापू जी मिल गए। बापू जी कहाँ थे आप? आओ आओ जेठालाल भाई, तुम्हारे गोडाउन में तुम्हारा स्वागत। अरे क्या बोल रहे हो, अरे खड़ा के ला पैसा लीजिए, खास आपके लिए मंगाया है गोयल साहब, गोडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। बापू जी कहाँ खो गए थे आप? मैं कहीं खो नहीं गया था जी क्या। अरे भाई मैं सरदार चौक गया ना, तो वहाँ बागा मुझे मिला नहीं, और तेरी मीटिंग का टाइम हो गया था, इसलिए मैं चाबी लेकर सीधा गोडाउन आ गया। बाहर मगन खड़ा था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि तू कहाँ चला गया। बापू जी आपका कुछ अता पता पता नहीं था, इसलिए मैं आपको ढूंढने सरदार चौक गया था। अच्छा, लेकिन बापू जी आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि आप गोडाउन पहुँच गए हैं? कैसे बताता जेठिया, मेरा फोन तो बंद हो गया था, और मुझे ना अभी किसी के भी नंबर मुंह जुबानी याद नहीं रहते भाई। अरे तो मगन तू तो मुझे फोन करके बता सकता था ना, तूने क्यों नहीं बताया? तो वो भी बेचारा कैसे बता था, वो अपना फोन घर पे छोड़ के आया है उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए। अरे लेकिन ये गोडाउन का लैंडलाइन है तो फोन कर सकता था ना। अरे जेठिया उसे भी मेरी तरह कोई भी नंबर मुंह जुबानी याद नहीं है, यही प्रॉब्लम है आज के जमाने में चाचा जी, यही प्रॉब्लम है। जब से मोबाइल आया है तो किसी को नंबर याद रहता ही नहीं। जब लैंडलाइन हुआ करता था भाई मुझे भी काफी सारे नंबर मुंह जुबानी याद रहते थे। गोयल साहब सॉरी सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। अरे जेठालाल सॉरी की कोई जरूरत नहीं, और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है भाई। उल्टे जब हम यहाँ आए तो चाचा जी ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि अरे भाई ढेर सारी बातें हुई और मजा आ गया चाचा जी के साथ। एक मिनट, अगर आपको इतना मजा आ गया तो फिर तो फोन पे आप बोल रहे थे डील कैंसल, आइंदा तुम्हारे साथ कोई डील नहीं होगी, वो सब नाटक था? हाँ तो बोलो गोयल साहब आप भी गजब हो। और वो एक रुपया का नुकसान हो गया, वो क्या था? बताता हूँ वो क्या हुआ है ना जेठालाल, कि जब हम गोडाउन पर आए तो चाचा जी गोडाउन पर ही थे,
आइए आइए गोयल साहब, आइए आइए, आओ बैठाओ। नमस्कार चाचा जी। देखिए चाचा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप मुझे गोयल साहब मत कहिए, गोयल कह सकते हैं आप? ऐसे आप? मैं जेठा का पिताजी चंपकलाल घड़ा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। ये जेठालाल कहाँ है? जेठालाल आ रहा है, बाहर है, वो बाहर है, आ रहा है। बाहर? अरे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के वो बाहर है? उसे एक बार अगर वो कह देते तो मैं मीटिंग का टाइम चेंज कर देता। नहीं बराबर है, लेकिन आप लोग नाराज मत होइए। आप लोग बैठो ना, पानी वानी पियो, मगर आइए आइए बैठ बैठ। ए बापूजी, आप यहाँ हो? नमस्ते गोयल साहब। नमस्ते रीना मैडम। नमस्ते बापूजी। मैं भिड़े भाई और सेठ जी कब से आपको सरदार चौक पे ढूंढ रहे थे, और आप यहाँ आकर बैठे हैं। आपको पता है सेठ जी आपके टेंशन में इतने बावरे हो गए कि आपको ढूंढने गोकुलधाम सोसाइटी चले गए हैं। क्या गोकुलधाम पहुँच गए? हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? और एक मिनट, क्या कहा तुमने? जेठालाल गोकुलधाम में? सॉरी सॉरी गोयल साहब, वो क्या है थोड़ा कंफ्यूजन और टेंशन हो गया था। कंफ्यूजन और टेंशन? कैसी टेंशन? मैं बताता हूँ क्या हुआ कि ऐसा कंफ्यूजन और टेंशन हो गया था। अच्छा तो ये बात। हाँ, और क्या है ना गोयल बेटा, मेरा बेटा है ना जो, वो मेरी बहुत फिक्र करता है। अभी देखो ना, थोड़ी देर के लिए मैं नहीं मिला तो बावरा होकर मुझे ढूंढने निकल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जी, मैं भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। चाचा जी एक बार तो मेरे मामा जी ने मेरी परीक्षा ले ली कि मैं अपने पिताजी से कितना प्यार करता हूँ। एक मिनट चाचा जी, भाई मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जेठालाल आपसे कितना प्यार करता है। मतलब आप जानिए गोयल साहब, तब तक मैं सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ कि आप मिल गए हैं। बागा एक मिनट, जेठालाल को अभी तक ये पता नहीं है कि आप गोडाउन में हो और खोए नहीं हो। हाँ, नहीं पता। तो मैं जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि अभी फौरन मीटिंग के लिए आ जाए। नहीं गोयल बेटा, क्या है ना कि बिटिया को जब तक मैं नहीं मिलूंगा ना, तब तक वो किसी और बात पे ध्यान देगा ही नहीं। और अगर जेठालाल से मैं ये कहूँ कि वो ये डील फाइनल करने नहीं आए तो उसे लाखों का नुकसान हो सकता है, तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे जेठा के लिए पैसों से ज्यादा मुझे ढूंढना महत्व का होगा। अच्छा, इतना विश्वास है आपको जेठालाल पर? तो चाचा जी हम लोग एक एक रुपए की चैलेंज लगाते हैं, फिर देखते हैं कि जेठालाल के लिए क्या महत्व रखता है, लाखों की डील या अपने बापूजी को ढूंढना। ठीक है गोयल साहब, आप एक रुपया हार जाएंगे। हाँ देखते हैं, बस तुम जेठालाल को फोन मत करना और मैसेज भी मत करना। अब तो नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो सेठ जी की इज्जत और उनका बापूजी के प्रति जो प्यार है उसकी चैलेंज है। रीना, चाचा जी ये रहा मेरा एक रुपया। ये रहा मेरा एक रुपया। जेठालाल, तुमने चाचा जी को एक रुपया चैलेंज में जिता दिया और मैं हार गया। भाई मान गए जेठालाल, तुम्हारे पिताजी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर। हाँ। तो दोस्तों जेठालाल ने चाचा जी को ये एक रुपया जिता दिया। ये एक रुपया पारितोषिक नहीं है, ये एक पुत्र का पिता के प्रति सम्मान है, एक पुत्र का पिता के प्रति आदर है, एक पुत्र का पिता के प्रति संवेदना का भाव है।
क्या अद्भुत है, इसीलिए यह एक रुपया अमूल्य है, अनमोल है। मित्रों, आप जानते हैं जेठालाल अपने पिता का कितना सम्मान करता है, उसके लिए पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, उनके विरुद्ध कभी नहीं जाता। हर पिता चाहता है कि उन्हें जेठालाल जैसा आज्ञाकारी पुत्र मिले, और आज जेठालाल ने फिर से साबित कर दिया कि वो अपना पिता का कितना सम्मान करता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम रिश्ते नाते, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, इन सब में बैलेंस बना के चलते हैं। बैलेंस बना के चलते हैं तो जिंदगी सरल भी लगती है और सरस भी लगती है। अब आज बारी आई जेठालाल की कि व्यापार और रिश्ते में से किसे चुना जाए, तो जेठालाल ने बिल्कुल सही चुनाव किया और रिश्ते को चुना, और यही बात उसे सबसे अलग करती है। और मित्रों, यही भाव हम में होना चाहिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बड़ों के लिए सम्मान का भाव। तो मित्रों, जेठालाल ने ये जंग तो जीत ली, लेकिन यहां मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जेठालाल की जिंदगी जो है वो जंग का मैदान है। एक नई जंग प्रारंभ होने वाली है जो आपके लिए लेके आएगी ठाक। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।